ओमज्ञानत मिरीनाथस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च क्षीरूपं सागर जातां सहगना रघुनाथां सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्री गुरु दीन तारणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाश आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आपके चौथे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोशिश कीजिए सब वीडियो ऑन करके एक कक्षा करने का। हम अपने वर्सेस जो हमारे हैं उसको एक बार उसको चैंट कर लेते हैं। पहला है वर्ष पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सत्यो निसी जन्मसु। पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत सत्यो निसी जन्मसु। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिन्स्मिन् पुरुषः परः। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिन्स्मिन् पुरुषः परः। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान् संतित्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते सह गुणान् संतित्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ममैव वंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैव वंशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सर्वस्व चाहं हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वारहमेव वेद्यो वेदांत कृतवे द्विदेव चाहम। सर्वस्व चाहम हृदि सन्नविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च
वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेदुविदेवचाहम् ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम्। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते पराम्। भक्त्या माम् अभिजानाति यावञ्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदन्तरम्। भक्त्या माम् अभिजानाति यावञ्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदन्तरम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याचि माम् नमस्कुरो ममैवैशाचि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याचि माम् नमस्कुरो ममैवैशाचि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण, आज हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे। सभी लोग अपने ग्रंथ खोल लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिव प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने क्या अध्ययन करा है उसका थोड़ा पूर्वावलोकन। भगवत गीता अध्याय 13 और 14 के संबंध में, संदर्भ में, प्रकृति के गुणों में जीव के उलझाव और गुणों को कैसे पार किया जाए, इसकी व्याख्या हमने चर्चा देखा। 13वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? 13वें अध्याय में हमने पढ़ा कि एक जीव प्रकृति, जीव और प्रकृति के बारे में 6 प्रश्नों के उत्तर में, जो अंतिम के 2 प्रश्न थे, पुरुष और प्रकृति के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। और उलझाव क्यों है प्रकृति के साथ, तो हमने देखा 13वें अध्याय में भगवान बताते हैं 20वें श्लोक में, कार्य कारण कृतत्व हेतु प्रकृति रुचि। ये प्रकृति के साथ, प्रकृति है वो कार्य कारण। कार्य कारण का क्या मतलब होता है? कॉज एंड इफेक्ट, वही कारण है ये पूरे अलझाव का। वो कैसे? हेतु प्रकृति रुचि थे, यानी कि हम खुद ही इसके हेतु हैं। जिस तरह प्रकृति का विदोहन होगा उस तरह हमारा उलझाव होगा, ठीक। और 14वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा? 14वें अध्याय में विस्तार से, एक बार जब व्यक्ति गुणों में बंध जाता है तो वो 3 गुण कौन से हैं, उस गुण के क्या चरित्र है, ठीक है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, उसके चरित्र के बारे में हमने पढ़ा विस्तार से। सतोगुण सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें शरीर के 9 द्वार खुले रहते हैं, ठीक है। और बाकी के जो दुगुण हैं उसमें क्या है, रजोगुण के क्या चरित्र है, रजोगुण का चरित्र है तृष्णा संग समुद्भवन, उसमें असीमाकांक्षाएं होती हैं। और तमोगुण का क्या है, प्रमाद आलस्य निद्रा भी, यानी कि पागलपन और अज्ञान। ये 3ों गुण जो हैं कृष्णा भावनामृत में किसी व्यक्ति को क्रमिक विकास के लिए एक सुव्यवस्था देती है। एक एक व्यक्ति अगर तमोगुण में है, अगर कृष्णा भावनामृत को अपनाता है, तो तमोगुण से रजोगुण जा सकता है, रजोगुण से सतोगुण जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, फिर अर्जुन का प्रश्न आता है। अर्जुन का क्या प्रश्न है कि प्रभु मुझे बताइए कि ये ऐसे व्यक्ति जो गुणों को पार कर जाते हैं उनका आचरण कैसा होता है, किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, और वो गुण को पार कैसे करते हैं, ठीक है। तो उन तरीकों को पहचान हमने देखा कि जिनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है, इसका हमने विस्तार से अध्ययन 14वें अध्याय में करा। उन व्यवहारिक तरीकों की सूची के बारे में हमने देखा जिनके द्वारा हम इस सतोगुण का विकास कर सकते हैं, ठीक है। हमने विस्तार से उस चरित्र के देखा कि सतोगुण का व्यक्ति क्या, उसका क्या चरित्र होता है, ठीक है। और अंत में हमने क्या देखा
अंत में हमने देखा भौतिक प्रकृति के संगीति के उसे उलझाती है। अपनी स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति में एक जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, लेकिन भौतिक प्रकृति के साथ संबंध उसे भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों, सतो रजो और तमो गुणों में उलझा देता है। इन 3 विधियों की संगति के कारण भौतिक संसार पर हावी होने की उसकी इच्छा है। तो 13 अध्याय में, 13वें अध्याय में इसका भी, इसका विस्तार से हमने अध्ययन किया कि जीव जो है क्या है, जीव पराशक्ति है। हमने 7वें अध्याय में क्या पढ़ा है, प्रेयम इतस्तन्य कृत्रिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। तो ये जीव जो है वो पराशक्ति है भगवान का, ठीक है, पराशक्ति होने की वजह से। परंतु क्या हो जाता है जब ये भौतिक की प्रकृति में आता है। 2रे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्या अपृहत चेतसाम। ये भोग करने की जो लालसा है और ऐश्वर्य पाने की लालसा है जिसके साथ हम ये प्रकृति का संबंध करते हैं, और वही जो कारण होता है वो उलझाव का कारण है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। पूर्ण कृष्णा भावनामृत में भक्ति सेवा में संलग्न होने से वह तुरंत दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है, और भौतिक प्रकृति को नियंत्रित करने की उसकी अवैध इच्छा दूर हो जाती है, ठीक है। तो 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन का क्या प्रश्न होता है, अर्जुन का प्रश्न होता है कि कोई व्यक्ति गुणातीत कैसे हो सकता है, भगवान वो बताइए। भगवान ने क्या बताया, माम च यो अव्यभिचारेण। अव्यभिचारेण का मतलब जो अहेतु की, भगवान की भक्ति का क्या परिभाषा है भाई, भगवान की भक्ति का परिभाषा क्या है, भगवान 9वें अध्याय में क्या बताते हैं, मन मना भव मत भक्तो, हमारे लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कारो, ठीक है। इसके बाद क्या बताते हैं, अहेतु की अप्रतिहता, भक्ति क्या है, किसी भी तरीके से रुकना नहीं चाहिए। अव्य विचारे ना माम चा यो अव्य विचारे ना भक्ति योग न सेवते, बिना रुके बिना बिना रुके अव्य विचारे ना भक्ति योग न सेवते सह गुणान समतित्य था ब्रह्म भूयाया कल्पते। अगर आपने पिछले अगर स्मरण हो तो उसको याद कीजिए, नहीं स्मरण हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने 5 बहुत मुख्य सिद्धांत हमें बताए थे, जिससे एक व्यक्ति वैदिक भक्ति के नियमों का पालन, वो 5 सबसे मुख्य विषय क्या है जो एक व्यक्ति को अव्यभिचारिणी बनाता है, वो कैसे हर समय भगवान की भक्ति बिना रुके बिना टुके कर सकता है, वो बताइए। 5 मुख्य सिद्धांत 13वें अध्याय में बताया श्री रूप गोस्वामी पाद ने, अगर किसी को स्मरण है तो बताइए, हैंड रेस कीजिए, बताइए। कोई एक भी बता सकता है, कोई दो भी बता सकता है, कोई 5 बता सकता है। 5 मुख्य विषय जो हमारे जीवन में, देखिए भक्ति रसामृत सिंधु जो है, भक्ति वो हम क्यों अध्ययन करते हैं, जब हम लेवल 5 में, हमने जब आप अंतिम स्तर में हैं, तो इसका हमें क्यों, हमने सारे ग्रंथ को पहले पढ़ाया, इसका कारण है कि हम सभी ग्रंथों का संक्षेप में हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, तब हमें लेवल 5 में भगवत गीता को पढ़ने का अलग स्वाद आएगा, ठीक है। नहीं तो हम तो लेवल 1 में भी हमने पढ़ा इसको, लेवल 2 में भी पढ़ा हमने इसको, ठीक है। तो अभी क्या ऐसा विशेष है जो हमने लेवल 1 लेवल 2 में नहीं किया, तो विशेष ये होगा कि आपने जो और ग्रंथ पढ़े हैं उसको जोड़ के कैसे देख सकते हैं भगवत गीता को, उसके आकलन से हम भगवत गीता को कैसे समझें, ठीक। अब वे बिचारे ना 14-26 में भगवान कह रहे हैं, पूर्ण कृष्णा भावनामृत भक्ति में सेवा में संलग्न होने से, पूर्ण कृष्णा भावनामृत कैसे हुआ जा सकता है, इसका प्रैक्टिकल टिप्स, व्यवहारिक चर्चा करते हैं श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सुंदर। वैसे तो उन्होंने 64 विधि दी है, 64, लेकिन जो 5 मुख्य हैं, वो 5 मुख्य जो 13वें अध्याय में बताया है या 12वें अध्याय, मुझे स्मरण नहीं, वो बताइए, किसी को कुछ भी याद है तो। सुमन कौशिक माता, हरे कृष्ण जी माता, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण। जैसे हमें अर्जुन की सेवा, भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करना डेली, यही है।
जी माता, हरे कृष्ण हरि बोल। एक तो ये है, और बताइए। पांच मुख्य हैं, आपने एक बहुत सही बोला हरि बोल, और चार हैं शास्त्रों का हर दिन अध्ययन होना चाहिए। दूसरा और एकादशी क्या है? एकादशी एकादशी तो सिद्धांत है, जो हमने 64 सिद्धांत पढ़े। 64 सिद्धांत में पहले 10 में एकादशी व्रत का पालन है, ठीक है, तो वो तो सिद्धांत है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या लेके आना है? वो पांच सिद्धांत वो कौन से हैं जी, जिससे भक्ति में तीव्रता हम अव्यभिचारी नहीं हो सकता है, अहेतु की हर दिन एकादशी तो सिर्फ महीने में 2 बार आती है, ठीक है, तो आज हम भक्ति को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, जब अब एकादशी आएगी तो एकादशी व्रत का पालन कर लेंगे, लेकिन निरंतर कैसे, अहेतु की कैसे हो सकता है? यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, सेवा में निरंतर संलग्न, माम चयो अव्यभिचारे न, निरंतर बिना रुके बिना टूके, ठीक है, अहेतु की अप्रहतीयता, भक्ति तो है कंटिन्यूटी, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, वो कैसे हो सकता है? आपने एक चीज बहुत अच्छा बोला, शास्त्रों का अध्ययन। दूसरा और कोई बता सकते हैं? किसी को स्मरण नहीं है, किसी को याद नहीं है। सबसे पहला है धामवास, ठीक है, जिसको जो भी समय मिलता है धाम, अभी कार्तिक मास है, धामवास करना सबसे पहला, ठीक है। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है आपके घर में जो अर्च विग्रह है उसकी बहुत ही उत्सुकता पूर्वक उसकी सेवा करना, ठीक है। तीसरा क्या है, जो माता ने अभी बताया, क्या है? शास्त्रों का निरंतर अध्ययन। चौथा क्या है? अपने से उन्नत भक्तों का संग करना या उनकी सेवा करना। कैसे कर सकते हैं ये भक्तों की सेवा, हम कैसे कर सकते हैं अपने से उन्नत भक्तों का, ठीक है, अपने संग का नहीं, उन्नत भक्तों का कैसे सेवा कर सकते हैं? हम तो रोजाना किसी भक्त से मिल नहीं सकते, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? आप सबने डिसाइपल कोर्स किया होगा, तो उसमें क्या है, अपने गुरु की के अपने भगवान के जो सर्वश्रेष्ठ, जो भगवान के जो हमारे गुरु वर्ग हैं, उनको किस तरह से सेवा की जा सकती है? 2 तरीकों से सेवा की जा सकती है, वाणी से और वपु से, शारीरिक और वाणी से, ठीक। तो भक्तों की सेवा और भक्तों का संग कैसे किया जा सकता है? उनकी वाणी से हम रोजाना कर सकते हैं, ठीक है, और किसकी वाणी सुननी चाहिए हमें रोजाना? शिला प्रभुपाद की रोजाना। आप प्रभुपाद वाणी .org टाइप कीजिए, और हमारा ये निरंतर कर्तव्य होना चाहिए कि हम 20 से 25 मिनट शिला प्रभुपाद की वाणी रोजाना सुने, तो रोजाना सुने, क्योंकि वो उनकी वाणी आधा घंटा होता है, अगर कोई माताएं घर में हैं घर में उसको सुन सकती हैं, कोई बाहर जाते हैं तो जब जब जा रहे हैं या आप सफर कर रहे हैं तो उस समय आप सुन सकते हैं, पर ये हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए कि रोजाना हम शिला प्रभुपाद या उनके 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 शिष्यों का हम रोजाना हम अनुसरण करें, उनकी वाणी को सुने, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इस्कॉन में ऐसे तो आप यूट्यूब कीजिएगा तो अनंत वीडियो डेली आपको अपलोड होते हैं, हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा स्तर क्या है, हमारा स्तर है कनिष्ठ, कनिष्ठ यानी कि नियोफाइट है, हम अभी शुरू कर रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसे गुरुओं को सुनने की आवश्यकता है जो शुद्ध हैं, जो नित्य सिद्ध हैं। वो कौन है? शिला प्रभुपाद और उनके शिष्य। तो ये हमारा निरंतर नित्य हमारा ये हमारा ये दायित्व है कि हम आधा घंटा जरूर अपने गुरु वर्ग को सुने, ठीक है, और अंत में हरि नाम का वश रहे, ठीक है। ये पांच चीजें अगर हम निरंतर हर दिन करते हैं तो भक्ति में हम माम चयो अव्यभिचारिणः होगा, हम हर दिन अपने अर्च विग्रह की उत्सुकता पूर्वक, घर की अर्च विग्रह की उत्सुकता पूर्वक सेवा कर सकते हैं,
जब भी मौका मिले हम धामवास कर सकते हैं। तीसरा, रोजाना हम आधे से 1 घंटा हम अपने शास्त्रों को दे सकते हैं, रोजाना देना चाहिए, क्योंकि हम 5वें स्तर में पहुंच गए हैं, तो हम हमारे लिए ये बहुत ही सीरियस कोर्स है, बहुत ही गंभीर विषय, तो हमें आधा से 1 घंटा हर दिन रोजाना इसको पठन करना, भक्तों का वाणी सुनना और उनकी सेवा करना, जिस रूप में भी सेवा आती सेवा लेना, और अंत में जितना समय अवर्थ कालम, समय व्यर्थ मत कीजिए, समय व्यर्थ नहीं करना है, समय व्यर्थ एक वैष्णव को शोभा नहीं देता, चाहे आप अपने परिवार की सेवा कीजिए या फिर अपन जो भी समय आपके पास मिलता है उसमें इन पांचों को, हम वास्तु रोजाना नहीं हो सकता, बट जो बच जाते हैं चार उसमें रोजाना आप सोचिए कि कैसे करना है, इसको एक बुक में लिखिए, नोटबुक में लिखिए, हर दिन टिक कीजिए कि हमने इसमें क्या क्या कितना दिन सुना है, क्या सुना है, और सिर्फ सुनना नहीं है, वाणी सुननी नहीं है, उसमें कुछ मुख्य विषय हैं उसको नोट करना है। श्रील प्रभुपाद बहुत सारे वर्सेस को कोट करते हैं जो भगवद गीता श्रीमद भागवतम में भी नहीं है, बारे हैं, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, इनको नोट कीजिए, हो सकता है उसमें नहीं आपको पता चले, पर उसका बहुत महत्व, श्रील प्रभुपाद एक एक श्लोक का महत्व समझाते हैं अपने उस 20 मिनट 25 मिनट के अपने उस प्रवचन में, ठीक है। तो हम अगर ये 5 चीजें करते हैं निरंतर, तो गारंटी हमारे आचार्य ले रहे हैं कि भक्ति में उन्नति होना एकदम परम आवश्यक है, होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 5 चीजें करनी होंगी अव्य विचार इन करने के लिए, निरंतर सेवा में संलग्न रहने के लिए, ठीक। चलिए अब हम 5वां इकाई शुरू करते हैं, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बहुत सुंदर अध्याय है ये, और कार्तिक के पावन अवसर पर हम ये अध्याय शुरू कर रहे हैं। 1 से 5 में बरगद का पेड़, जब पहली बार ये बरगद का ये अध्ययन पढ़ाया जाता था तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था, ये उल्टा वृक्ष के बारे में क्या कथन है, ये तो समझ में नहीं आता है, उल्टा वृक्ष क्या है, तो आज वही उल्टे वृक्ष पे आज चर्चा है। 1 से 5 तक स्थानांतरण, यानी कि उस उल्टे वृक्ष से, उस उल्टे वृक्ष का करना क्या है, ये 6 से 11 में हम करेंगे। अनुरक्षक के रूप में कृष्ण, तो भगवान क्या है ये, इस अध्याय का क्या नाम है, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम का क्या मतलब हो गया, उसको 2 भाग में विभाजित कर दीजिए, जो पुरुषों में सबसे उत्तम है। पुरुषों में उत्तम और उनका उनके साथ जुड़ना योग। तो पुरुषों में सबसे उत्तम, तो भगवान, भगवान तो महान है, भगवान श्रेष्ठ है, लेकिन कैसे महान है, कैसे वो पुरुष में उत्तम है, वो हम पढ़ेंगे 12 से लेकर के 15 तक। ये 3 श्लोक बहुत सुंदर श्लोक हैं, हम सबको वो 3 4 श्लोक स्मरण होने चाहिए 12 से 15, ठीक है। भगवान महान है, कैसे महान है, हमारे लिए क्या करते हैं वो, ये हम देखेंगे। और फिर 16 से 20 तक अंतिम के जो 4 हैं वो वेदांत सूत्र का सारांश हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा आपको कथा बोलता हूं, इसके बाद ये शुरू करते हैं। एक राजा और रानी रहते हैं, एक बार क्या होता है, गांव में एक रानी क्या करती है, रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने तालाब में जाती है, और अपने जो आभूषण है वो उतार करके रख के स्नान करती है। जब वो स्नान करके अपनी सखियों के साथ वापस आती है, देखते हैं कि सारे का सारा आभूषण चला गया, चोरी हो गया है, विलाप करते हुए राजा के पास पहुंचती हैं। राजा बोलते हैं क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, तो बोला इसमें तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर आभूषण ला दूंगा, उसकी तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं। तो रानी बोलती है नहीं नहीं मुझे वही आभूषण चाहिए, क्योंकि मेरी सहेली ने बड़ो प्रेम से दिया। तो अब राजा को क्या करना है, अब राजा क्या कर सकते हैं, बोले ठीक है चलिए एक काम करते हैं, उन्हें पूरा घोषणा करवाया, पूरा राज में घोषणा करवाया कि ये जो आभूषण रानी की, ये जो आभूषण ला करके देगा वो क्या है, उसे
100 अशरफियां, सोने की अशरफियां दी जाएंगी। तो सारा शहर जो है, राज्य जो है, उस रानी की वो आभूषण को खोजने में लग जाता है। उसमें से एक युवक होता है जो रानी वो आभूषण खोजते 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 वो नदी के किनारे खोजता है, खोजते खोजते देखता है नदी में वो आभूषण का, उसको आभूषण दिखता है, बड़ा खुश हो जाता है कि आज तो हमारे मेरे मुझे मैं ये लेके जाऊंगा, राजा को दूंगा, राजा मुझे पुरस्कार देंगे। गोते लगाता है और आभूषण को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो आभूषण नहीं पकड़ाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। उसी समय एक साधुगण जो है वहां से जाते रहते हैं, वो बड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये व्यक्ति क्या ढूंढने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति और ये जो युवक होता है वो साधु को कुछ कुछ नहीं बताता है, ये सोच करके कि अगर इसको बता दूंगा तो आभूषण इससे मिल जाएगा और ये फिर जा करके राजा को दे देगा और पुरस्कार पा लेगा, कुछ नहीं बताता है। एक पहर बीत जाता है, उसे वो आभूषण दिख रहा होता है परंतु वो पाता नहीं है, वो समझ नहीं आता है। फिर वो करता है, ठीक है चलिए एक और पहर उसका प्रयास करते हैं, दूसरा पहर भी प्रयास करता है। शाम हो जाता है पर वो आभूषण उसके हाथ में नहीं आता, वो उसे समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। वो जो मुनिगण होते हैं वो वापस शाम को अपने कुटिया को कुटिया जाते हैं, तपस्या करके जब कुटिया जाने के लिए रहते हैं तो रुक करके उस युवक को रुक करके पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है, सुबह भी मैंने देखा अभी भी तुम इस तरह परेशान हो। तो अब उसे रहा नहीं जाता है क्योंकि एक पहर दो पहर बीत गए होते हैं। तो युवक बोलता है कि प्रभु मैं यहाँ सोने का ये आभूषण देख रहा हूँ परंतु ये मैं गोते लगा रहा हूं पर मिल नहीं रहा है। तो मुनिगण तुरंत समझ जाते हैं, बोलते हैं कि ये देखो तुम जिसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ये तो बगल का जो वृक्ष है इस वृक्ष के ऊपर आभूषण लटका हुआ है, वो आभूषण का प्रतिबिंब है। फिर वो प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं इस तरह के छोटे छोटे खुशियों को बटोरने के लिए। एक छोटा व्यक्ति, गांव का व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, इसमें थोड़ी सी उपज होगी, बड़ा शहर जाएंगे थोड़ा सा और मेरी कमाई का जरिया और बढ़ेगा, मैं परिवार को ज्यादा खुश रख पाऊंगा। बड़ा शहर, उससे गांव से छोटा शहर जाता है, छोटा शहर में कमाने की कोशिश करता है, परंतु कमाना तो ज्यादा शुरू कर देता है परंतु वो तुष्टि नहीं मिल पाती है। बोलते नहीं इससे तो काम नहीं चलेगा, अभी और बड़ा शहर जाना पड़ेगा। तो और बड़ा शहर जाता है, बड़ा शहर और जाता है, कमाई तो बढ़ती जाती है पर वो जो आभूषण है वो तो प्रतिबिंब ही है। ठीक है कमाई तो मिल गया पर और बड़ा शहर गया, वहां जरूरतें और बढ़ गई, वो इच्छा पूर्ति हुई नहीं। अब बड़ा शहर से विदेश जाने के सोचते हैं लोग, विदेश भी चले जाते हैं, हमारे पूरे विश्व का सबसे जो स्वप्न नगरी है सबके विदेश को कहाँ कहाँ पे है, अमेरिका। आज के दे तारीख में आप जाइए अमेरिका में जो सबसे संपन्न व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है आज, वो सोच रहा है कि जो देश है इसमें अब हो गया, अब दूसरे ग्रह में जाकर के कुछ नया कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये सोने का आभूषण है, ये प्रतिबिंब ही रह जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आज पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं ये इसी प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। अधर मूलम उधर मूलम अधम शाखम, ये जो जितनी आप चीजें देख रहे हैं, भौतिक जगत देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इसलिए खुशी जो है वहां पे जो खुशी है वो शाश्वत है भगवान, क्योंकि वहां क्या है, भगवान आनंदमय अभ्यसात है, सतचित आनंद है, आनंदित रहते हैं, तो वहां कोई कमी नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ प्रतिबिंब है, छोटे छोटे प्रतिबिंब, थोड़े छोटे छोटे प्रतिबिंब के रूप में हमें खुशियां मिलती है। पहला और दूसरा श्लोक बस इसी को समझाने का प्रयास है। इसीलिए जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कि भौतिक जगत में ये उल्टा वृक्ष किसको बोला जा रहा है। ठीक है तो इसको चलिए शुरू करते हैं।
आप ग्रंथ खोल लीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है, इस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। हम दोनों से पढ़ने का प्रयास करेंगे, पीपीटी से भी पढ़ेंगे और भगवद गीता का भी अध्ययन संग करते चलेंगे। श्री भगवान उवाच, उदर मूलम अधम शाखम शश शश्वत प्राहुरव्ययम् छंदास छंदानी यस प्रणानी यस्तम वेद स वेद विद। भगवान ने कहा, कहा जाता है कि शाश्वत अश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की, और तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं फिर बताता हूं आपको। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्र विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और जो मानव समाज के सकाम कर्मों कौन से बंधी हुई है। म्यूट रखिए आपको। है अरटी पांडव? अभी क्या हम चर्चा करने वाले हैं, यही उधर मूलम अधम शाखम, ये जो वृक्ष है शाश्व शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये उल्टा वृक्ष की चर्चा हो रही है। उल्टा वृक्ष क्या है, ये प्रतिबिंब है, कुछ हम संदर्भ भी पढ़ेंगे उस पर। ये जो वृक्ष है ये कहाँ से शुरू होता है, ये जड़ कहाँ है, ये 14 के 14 जो जगत हैं ये सारा के सारा वृक्ष है। ठीक है, इसको सारा के सारा वृक्ष है, और जो जड़ है वो जड़ कौन है, ये सबसे उच्च जो ब्रह्मलोक है, ये जड़ वहां से शुरू होता है, और सबसे अधम लोक में ये जो टहनियां हैं ये उस अधम लोक को फैल जाती हैं। ठीक है, उधर मूलम ऊपर की ओर जड़े हैं। ठीक है, पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, शाखाओं के नोक इंद्रियां, टहनिया इंद्रिय विषय, फल धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, तो इसको बहुत ही सामान्य रूप से साधारण रूप से समझने का प्रयास कीजिए कि इस श्लोक के द्वारा, इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उल्टे वृक्ष में, उल्टे वृक्ष से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पेड़ के अलग अलग बहुत सारे भाग हैं। ठीक है, इसका जड़ है, जड़ के साथ इसकी टहनिया है, टहनिया क्या है, इंद्र विषय है, ते क्या है, ते वैदिक स्रोत है, वैदिक स्रोत है, फल क्या है, जो हम जिस तरह से वृक्ष पे जिस तरह से वृक्ष में भोग करेंगे उस तरह से हमारे फल को फल प्राप्त होंगे। तो
तो जैसे जैसे हम इस प्राकृतिक जगत में भोग करने लगते हैं, उन टहनियों के बीच में फंसते जाते हैं, उन टहनियों के बीच में फंसते जाते हैं, और नीचे की योनियां पुरुषम प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सब सब योनि से जन्मसु। यानी कि ऊपर की योनियां या अधम योनियां मिलती हैं जैसे प्रकृति का विदोहन करते हैं, तो प्रकृति का जिस तरह विदोहन होगा, इंद्र विषय जो टहनियां हैं ये संकेत मात्र है, ये जो वृक्ष के द्वारा भगवान हमें संकेत दे रहे हैं कि हम फंसे क्यों रहते हैं, तो ये टहनी के द्वारा हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम इंद्र भोग में इतना इंद्र भोग के द्वारा हम इस टहनियों में फिसलते रहते हैं, जो मैंने आपने एक कहानी भी सुनाई, कथा भी सुनाई, तो वो फंसे रहते हैं, और फंसने के कारण जितना भोग करेंगे सत सत योनि सी वो फल की प्राप्ति के कारण हम नीचे नीचे के ग्रहों को जाते रहेंगे। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष का कोई अंत नहीं है, वृक्ष का कोई भी अंत नहीं है, ठीक है। तो कुछ तात्पर्य में पढ़ते हैं, हम बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ये सभी वृक्ष की शाखाएं के निचले भाग में स्थित हैं। कौन कौन निचले भाग में स्थित हैं? निचले भाग में जीव की विभिन्न योनियां यथा मनुष्य पशु घोड़े गाय कुत्ते बिल्लियां आदि। तो एक व्यक्ति जितना उन फल के पीछे भागेगा उतना ही वो इंद्रिय विषयों रूपी टहनियों में फिसलता हुआ नीचे की ओर जाएगा, और जितना नीचे जाएगा सत सत योनि सी जन्मसु, और नीचे की ग्रह में जाते जाएगा तो अधम योनियां मिलती जाएंगी। तो नीचे की जो जो जड़ें हैं वो क्या हैं? वो नीचे की लोक हैं, और जो टहनियां वो नीचे की लोक हैं, जड़ें जो हैं ऊपर के लोक हैं। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की ऊंची योनियां हैं तथा देव गंधर्व तथा बहुत से उच्चतर योनियां। ब्रह्मा जी की जो है जड़ कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्मा जी से, ठीक है। वृक्ष की टहनियां इंद्र विषय हैं, विभिन्न गुणों के विकास से हम इन विभिन्न इंद्र विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिर इंद्रियां तथा कान नाक आंख आदि जो विभिन्न इंद्रियों विषय के भोग से आ सकते हैं, ठीक है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष के प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। ये जो वृक्ष है ये संकेत मात्र हमें समझाने के लिए प्रतिरूप है, ठीक है। प्रतिरूप आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इस मूल के पहले प्रकृति पुरुष और तीन पुरुष मिलते हैं। इस प्रकार वे सारे संसार में 24 तत्व है, ठीक है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति और पुरुष साक्षात परमेश्वर है, ठीक है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है अर्थात क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी भी वह दिखता है कभी नहीं दिखता है। प्रतिबिंब है जो ये वृक्ष है वो क्या है? एक प्रतिबिंब मात्र है, जो भगवान हमें ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये पूरा भौतिक जगत ही प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? ये उस वृक्ष का, जिस कथा में हम कहने की कोशिश, जो जिस कथा में ये वृक्ष कहाँ है, ये आध्यात्मिक जगत में है, उसका वृक्ष है ये प्रतिबिंब। परंतु ये वह स्रोत जहां से प्रतिबिंब प्रतिबिंबित होता है वह शाश्वत है, वो शाश्वत है, वो जगत शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब की विच्छेदना करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे यह समझना समझा जाता है कि वह जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह सिद्ध विधि को जानता है तो समझिए कि वास्तव वेदों को जानता है। तो जो कहते हैं वो क्या है? वह वैदिक स्रोत है। वैदिक स्रोत कहने का क्या मतलब है? कि अगर हम उस वैदिक स्रोत को पढ़ेंगे तब ये वृक्ष रूपी
जो भौतिक आसक्ति है इसको इसको इसके जड़ को काट करके इसे बाहर होने का हमें विधि मालूम होगा, ठीक है, वैदिक स्रोत को पढ़ने से। तो ये जो श्लोक है, पहला और दूसरा श्लोक, ये इसी उल्टे वृक्ष को हमें प्रतिरूप के रूप में समझाया गया है, ठीक है, कि हम क्यों फंसे रहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे और चौथे श्लोक को पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, बिल्कुल यहाँ क्लियर है। ये क्या है? प्रतिरूप है, संकेत मात्र है। भगवान हमें संकेत के रूप में समझा रहे हैं। कोई भी यह नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है, ठीक है, क्यों? लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। इस श्लोक में एक शब्द है जो आप सबको नोट करना है, वो क्या है? असंग शस्त्रे ना, ठीक है, असंग शस्त्रे ना, बहुत ही की वर्ड है, इसको आप नोट कीजिए। तत्पश्चात उसे इस स्थान की खोज करनी थी, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां इसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक व्यक्ति का सूत्रपात तथा विस्तार किया किया विस्तार होता आया है। तो यहाँ असंग शस्त्रे ना, तो हमें एक कुल्हाड़ी लगानी, कुल्हाड़ी हाथ में लेनी पड़ेगी, उसको कहा गया असंग शस्त्रे ना, ठीक है। जब तक फंसे हुए हैं, टहनी में लटके हुए हैं, तो कैसे निकलेंगे बाहर? जब तक उस टहनी को काट के नहीं निकलेंगे तब तक पेड़ में ही रहेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टहनी को काटना पड़ेगा, फिर पेड़ से हम गिरेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? असंग शस्त्रे ना, शस्त्रेन, ये असंग शस्त्रेन का क्या मतलब होगा? होता है संग शस्त्रेन, विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी, ये जो विरक्ति रूपी कुल्हाड़ी है वो किस चीज की कुल्हाड़ी है? वो माम चाहियो अव्यभिचारे ना, ठीक है, वो भक्ति की कुल्हाड़ी है, विरक्ति। भौतिक आसक्ति से जितना हम कम हमारी आसक्ति होते जाएगी, कुल्हाड़ी की धार उतनी तेज होती जाएगी, उतना हमें उतना काटने में हम सक्षम होंगे। तो शिला प्रभुपाद क्या हमें समझा रहे हैं, भगवान हमें क्या समझा रहे हैं कि ये लटके हुए तो हो, अब क्या करना पड़ेगा तुमको? विरक्ति के शस्त्र से काट के गिराना होगा, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं शिला प्रभुपाद, इसको कितना अच्छे से समझा रहे हैं। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति की प्रभुत्वता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुष से श्रवण करना चाहिए, ठीक है। तो हमारी हम भक्ति में आते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा क्या सबसे स्तर कहाँ से शुरू होता है? श्रद्धा से, ठीक है, हमारी श्रद्धा हुई तभी हम कोई भगवत गीता पढ़ना शुरू किए। लेवल वन हमने शुरू किया, लेवल वन किया हमने लेवल टू, क्योंकि ये श्रद्धा धीरे धीरे, जब श्रद्धा हुआ, श्रद्धा के बाद क्या होता है? हम साधुओं का संग करते हैं, तो सबसे पहले साधु संग होता है, फिर श्रद्धा विकसित होती है, फिर साधु संग होता है। तो साधु संग जो है वो निरंतर चलना चाहिए, तभी विरक्ति का शस्त्र में धार आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो ये जो पांच चीजें मैंने आज रूप गोस्वामी पाद को बताया है, उसको नोट करके रखिए, क्योंकि उन वेदी भक्ति के नियमों का हम पालन करेंगे तभी हम विरक्ति का जो असंग शस्त्रे है जिसका चर्चा आज हो रहा है यहाँ पे, तभी वो धार आ पाएगा। भक्तों की संगति में रह करके ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना, ठीक है। भगवान 7वें अध्याय के अंत में क्या बोलते हैं? एषा तन्तु गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। जिसकी जिसके पाप जिस सारे जिन एषा तन्तु गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम, जिनके सभी पापों से जो मुक्त हो गया है, एषा तन्तु गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद और मोह से मुक्त हो जाता है। भजन्ते माम दृढ़वता, वही दृढ़ता रूप से भगवान को भज सकता है। तो क्या
विरक्ति का शस्त्र क्या हुआ, एषा तंतु गतम पापम, जब तक विरक्ति, ये वही पाप है जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जब तक हम उन टहनियों में लटके रहेंगे हम पाप के भागीदारी होंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, वो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते रहना पड़ेगा जो श्रील प्रभुपाद ने हमें बताया है, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं यहाँ पे, क्या भक्तों का संग, ठीक है, अपने घर में अच विग्रह की सेवा, धाम वास, हरि नाम का आश्रय, निरंतर शास्त्रों का अध्ययन और भक्तों की सेवा और संग। अगर ये हम करते रहेंगे तो असंग शस्त्र, हमारा शस्त्र जो है वो बहुत भार वाला होते जाएगा, और हम विरक्ति के शस्त्र से जो ये भौतिक प्रतिबिंब में लटके हुए हैं वो हम काटने में, हम जो जिस पोजीशन पे हैं, जो भी स्थिति में हम हैं, उसमें हमें भक्ति करने में आनंद आने लगेगा। एक स्तर ऐसा आएगा जब हमें हरिनाम करने में बहुत आनंद आने लगेगा। तो समझिए धीरे धीरे हमारी उस जो जड़ है वो काटना हमने शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उस स्थान का पद का वर्णन किया गया जहां जाकर मनुष्य इस छंद प्रतिबिंब वृक्ष के कब नहीं लौटता। अब दूसरा भाग इसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है। फिर वहां से उस, क्योंकि ये तो जो ये जो वृक्ष है वो कहाँ है, ये इस पूरे भौतिक जगत में फैला है, 14 जगत में। अब वहां से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, वहां से निकलेंगे तो ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि दोबारा इस वृक्ष का भाग ना बने, वो कहाँ है, वो अगले श्लोक में आता है। ये मेरे साथ दोहराइए श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है, और हम ये मेमोराइजेशन श्लोक होनी चाहिए, बहुत सुंदर श्लोक है। अभी उसने क्या किया है, अभी वो उसने विरक्ति के शस्त्र से टहनी को काट दिया है, इसके बाद ऐसा जगह ढूंढ रहा है जहां जा करके वापस नहीं आएगा, अभी मिला नहीं है उसको वो जगह, अभी ढूंढेगा। देखिए क्या है, ढूंढने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं वयं तत्। झूठी झूठी प्रतिष्ठा, ठीक है, विरक्ति के शास्त्र से में देखिए क्या क्या काटेगा वो, क्या क्या काट रहा है वो देखिए, झूठी प्रतिष्ठा, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, द्वंद मोह, झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति, निर्माण मोहा चित्त संग दोषा, संग कुसंगति से मुक्ति। ये कुसंगति कौन है, जिसका हम पूरे दिन में संग करते हैं, ठीक है। भक्ति में 6 चीजें, उपदेशानमृत में क्या कहा गया, 6 चीजें हमें भक्ति में, 6 चीजें हमारा पतन कराती है, उसमें से एक क्या आता है, त्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह जनसंग लवलियम लवलियम च, जनसंग किसका संग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद हमें क्या समझाया है कि अगर विरक्ति के शस्त्र को धार देना है तो क्या करना है, भक्तों का संग करना, ठीक है। तो भक्तों का संग कौन होता है, भक्ति वृक्षा जो हम करते हैं वो तो है, वो ठीक है, भक्तों का मतलब हो गया जो जिनका स्तर हमसे ऊपर हो, तभी तो हम हमारी उन्नति होगी, ठीक है। उनका संग ढूंढना, हमेशा हमें तत्पर होना चाहिए उनका संग ढूंढने के लिए। कुसंगति से मुक्ति, जितना आसपास कुसंगति है उससे मुक्ति, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, ठीक है, अध्यात्म नित्या, सबका एक एक शब्द का मतलब है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, ते द्वंद एषा त्वंत गतम पापम, ठीक है, जो 5 चीजों को जो फॉलो करते हैं, जो जिनका व्यवहार में लाते हैं, ठीक है, हरिनाम करते हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने घर के अर्च विग्रह का सेवा करते हैं, उनमें स्वतः ही भौतिक काम धीरे 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 नष्ट होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है, ठीक है। जो सुख दुख, सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, उनको समझ में आ जाता है क्या है, माम उपैत्ते तो पुनर्जन्म
दुखालयम शाश्वतम। भगवान ने बताया आठवें अध्याय में क्या बताते हैं, ये दुखों का घर है, जिन्होंने बनाया है उन्होंने बता दिया दुखों का घर है, तो हम इसमें सुख खोजने के प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रतिबिंब के समान ही है ना, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने ही बता दिया कि ये दुखों का घर है, ठीक है। सुख दुख के द्वंद से मुक्त, उसको समझ में आ गया है कि यहाँ पे सिक्के के दो पहलू रहेंगे, सुख आएगा सुख के साथ दुख भी आएगा है। और जो मोह रहित होकर के परम पुरुष के शरणागत होना चाहता है वे उस शाश्वत राज को प्राप्त होते हैं। तो अभी योग्यता प्राप्त, उसको योग्यता मिल गई, विरक्ति के शस्त्र से उसने काट दिया। विरक्ति के शस्त्र क्या है, झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति, इसको जब उसने गिरा दिया तो शाश्वत तत्व को समझना, भौतिक काम को नष्ट कर देना और सुख दुख के दंश से मुक्त है, ये है विरक्ति का शस्त्र, ठीक है। विरक्ति का शस्त्र कैसे प्राप्त होगा, पांच चीजें करने से, खासकर भक्तों का संग में, शिला प्रभुपाद बता रहे, ठीक है। देखिए शिला प्रभुपाद दो इसमें दो चार चीज बहुत सुंदर बता रहे हैं। यहां पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित होना, मोहित ना होना, ठीक है। तो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि अपने आचार्यों का भजन सुने। नरोत्तम दास एक भजन में गाते हैं, हरी हरी विपुले जनम गवाइनु मनुष्य जनम पाया, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, ये मनुष्य जन्म मिला और राधा कृष्ण का नाम ही मैंने नहीं लिया, राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु, यानी कि जान बूझ करके हमने इस भौतिक जगत का विष खाया है और इसी में सुख प्राप्त की, सुख की प्राप्ति की कोशिश किया है, यही विष है ना, ठीक है। आज ये मिल जाए कल ये मिल जाए परसों ये क्या है, विष ही है, ठीक है। तो ये मोहित होना, क्योंकि बद्धजीव अपने को प्रकृति के स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान के शरण में जाना कठिन हो जाता है। उसे वास्तविक ज्ञान का अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वो प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, निर्माण मोहा जित संग दोषा, तब शरणागति के प्रक्रिया आरंभ होती है। तब आरंभ होती है, तब जब अपना स्वरूप धीरे धीरे पता चल जाता है। जो व्यक्ति की संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान की शरणागत होना कठिन हो जाता है। तो हमें भक्ति कैसे करना है वो किसने सिखा, भगवान स्वयं ने सिखा है। न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरी भवता भक्ति आहेतुकी तुई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए न सुंदरी चाहिए अनुयायी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान स्वयं हमें समझा रहे हैं कि किस तरह भक्ति करना है, हमारा मार्ग कैसे होना चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है तो कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्तावश समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। तो हमने 13वें अध्याय में अर्जुन का एक प्रश्न क्या था, ज्ञान और ज्ञेय, ठीक है। ज्ञेय का क्या मतलब है, जानने का उद्देश्य, कौन ऑब्जेक्टिव है हमारे जानने के लिए, लेकिन उसको जानने से पहले हमें क्या कुछ ज्ञान अर्जित करनी पड़ेगी, तभी तो ज्ञान जान सकते हैं कौन है ज्ञेय। तो ज्ञान क्या क्या था, उसमें एक क्या था, इंद्रिया अर्थेशु वैराग्यम अहंकार एवं च जन्म मृत्यु जरा व्याधु दुख दोषानुदर्शनम। असली ज्ञान क्या है, जो इन चार चीजों को अच्छे से जानता हो, क्या जन्म तय है ना, जन्म होगा ही होगा, मृत्यु है, बुढ़ापा है और व्याधि, ठीक है। वह इस तरह इस परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट होता है। अगर ये ज्ञान नहीं हुआ तो अपने लिए वो समस्या खड़ी कर देता है, ठीक है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है
लोग सोचते हैं कि वह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। प्रभुपाद के तात्पर्य को आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में अपनी विद्वता को कहीं नहीं दर्शाते हैं। विद्वता को क्या मतलब है कि उन्हें बहुत ज्ञान है, कहीं नहीं दर्शाते वो क्या, किस तरह से उनका तात्पर्य, कि तात्पर्य उन्होंने कितना सुंदर तात्पर्य है, उन्होंने अपने तात्पर्य के माध्यम से क्या बोलने का प्रयास किया है। वो हमें एक मरीज के तरह देखते हैं, एक एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक मरीज को कैसे इलाज करता है, ठीक है, उसको उसी तरह से शिला प्रभुपाद जो तात्पर्य लिख रहे हैं, उस तात्पर्य के माध्यम से, उस तात्पर्य में अपनी विद्वता, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान नहीं डाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हमें इस पे इसको जीवन में व्यवहारिक रूप में किस तरह हमें परिवर्तन लाना है, उस तरह से वो अनुवाद कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये यथारूप भगवत गीता दुनिया भर में किसी भी और भगवत गीता के मुकाबले, मैं कह रहा हूं वो भगवत गीता जो चार संप्रदायों में लिखी गई है, उन संप्रदायों में जो इसके बाहर है वो तो भगवत गीता का कोई मतलब ही नहीं, जो इन चार संप्रदायों में लिखी गई है, अगर किसी भी भगवत गीता ने पूरे जीवन को, अगर किसी के जीवन को परिवर्तन किया है तो भगवत गीता यथारूप, ठीक है। संसार विश्व है आज के करीब 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ लोग अनुयायी आसपास हैं, ठीक है, विश्व भर, कोई सामान्य गणना नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आप देखें तो अगर आप टाइप कीजिएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मैंने पहले भी आपके यहाँ साथ चर्चा किया किसके साथ किया, तो आज की तारीख में बाइबल और कुरान 600 करोड़ बिके हुए हैं, पूरी जनसंख्या, क्या कह विश्व रहे की हो? आज जनसंख्या। ही मैंने मैंने तेरे को देखा नहीं, आज पूरे विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ है, 600 करोड़ बाइबल और कुरान बिक चुके हैं। अगर इन ग्रंथों को, हालांकि इन ग्रंथों को भी भगवान के प्रचारकों ने ही लिखा है, परंतु अगर ये जीवन को तब्दील करना हुआ हो, अगर ये तब्दील करते तो आज पूरा विश्व क्या हो जाता, एक भगवान की पूरे विश्व क्या होता, पूरा विश्व एक हो जाता, ठीक है। लेकिन नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि ये जीवन में बदलाव नहीं कर पाए। शिला प्रभुपाद की किताब में क्या है, इन्होंने तात्पर्य ऐसा लिखा है कि लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकता है, हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं इसको। योग्यता तो आ गई, ठीक है, योग्यता तो आ गई। अब वो दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि ऐसी जगह ढूंढो जहां वापस आना ना पड़े, ठीक है। माम उपेत्ते तो पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवंती महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः, परम गता, ऐसा जगह ढूंढो जहां वापस नहीं है। वो जगह कौन सा है, ठीक है, भगवान अब अपना घर दिखा रहे हैं। इसलिए ये अध्याय बहुत ही, भगवान अंत में बोलेंगे ये बहुत गुहिया अध्याय है, बहुत, आप लोगों ने 9वां अध्याय को पढ़ा होगा, भगवान उसमें कहते हैं ये सबसे परम गुहिया ज्ञान, ठीक है, सबसे गुहिया, लेकिन ये भी गुहिया ज्ञान है, बहुत गुहिया, क्यों, क्योंकि भगवान अब अपने घर में प्रवेश करवा रहे हैं, ठीक है। कोई घर में कैसे प्रवेश करवाता है, ठीक है, आप किसी और, किसी ऐसे अनजान को घर में तो प्रवेश नहीं करा सकते, जब तक आप किसी को जानते ही नहीं है तब तक घर में कैसे प्रवेश करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये अगला श्लोक है जो भगवान का धाम दिखाता है। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम ममः, मेरा वह मेरे परम धाम, न तो सूर्य न सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंचते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो भगवान अपने धाम को दर्शन करा दिया इन्होंने, तो हमें ये दर्शन पहली बार प्राप्त हो रहा है। 8वें अध्याय में भगवान ने थोड़ा सा बताया था, परस्तस्तु भावो अन्यो वक्तो अवक्तात् सनातन, 8वें अध्याय में बताया था उन्होंने। इसके अलावा एक और व्यक्त जगह है जो जिसका कभी विनाश नहीं होता, बताया था 8वें अध्याय में, परंतु आज ये पूरा दरवाजा खोल के दिखा रहे हैं कि देखो अपना तुम घर आओ, अभी तो तुम योग्य हो गए हो, निर्माण मोह जित संगो दोषा, ठीक है, अभी तुम सब हो गए हो,
अब तुम अपने घर को देखो, घर कैसा है? इस घर में कुछ भी, सारा कुछ स्वतः ही प्रकाशित है। न तद भासते सूर्य, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता नहीं है। इस भौतिक जगत में एक, हर ब्रह्मांड में एक सूर्य चाहिए, नहीं तो सुबह सुबह सूर्य नहीं, अगर सूर्य का उदय नहीं हो तो कैसा अंधकार हो जाएगा। ठीक है, भगवान का धाम हमारे घर में ऐसा जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां सारे के सारे वस्तु चेतन है, यहाँ तो जड़ है, यहाँ प्रकाश नहीं होता। कंकड़ पत्थर सब में प्रकाश नहीं होता, हमारे शरीर से प्रकाश नहीं निकलता। ठीक है, लेकिन वहां सब वस्तु चेतन है, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, कोई सूर्य की आवश्यकता नहीं है। तद भासते सूर्य, न शशांक को, न चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता है। रात को अगर चंद्रमा ना हो, अगर चंद्र ग्रहण हो जाए और बिजली चली जाए तो एक दूसरे को देखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमें कैंडल जलाना पड़ेगा, हमें कुछ जलाना पड़ेगा, तब एक दूसरे को हम देख सकते हैं। न शशांक, लेकिन वहां पे चंद्रमा की रोशनी की आवश्यकता है नहीं, नहीं वहां न पावक न अग्नि। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धामम परमम। वहां जो पहुंच जाता है फिर वापस नहीं आता, तो धाम में एक बार पहुंच गया फिर वापस नहीं आता। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर, इसको आप तात्पर्य को पढ़िए। ये अंतिम का मैं ये पढ़ता हूँ, इससे सिद्धांत बहुत सुंदर है। यहाँ परम ममा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद 2:2:15 में भी इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। तो भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में योग्यता बता दिया है, कितना नंबर लाना पड़ेगा तब हमें धाम में प्रवेश मिलेगा। निर्मान मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवर्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं वयम्। तब इन सब योग्यताओं को लेके आएंगे तब ये धाम को जाने, ये ऐसा धाम हमें दिखेगा जहां हमें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। तो हमें क्यों ऐसा बिजली का बिल भरने वाला घर चाहिए? ठीक है, हमें तो वैसा घर चाहिए जहां बिजली का बिल कभी भरा ही नहीं जाता हो। तो ऐसा घर कहाँ है? भगवान का था। इसके लिए क्या योग्यता? हमने योग्यता चर्चा की, वो योग्यता कैसे आएगी? असंग शस्त्रे ना, विरक्ति के शस्त्र से काटेंगे, जब हम दूसरे अध्याय में, तीसरे श्लोक में हमने चर्चा किया। ठीक है, अगर विरक्ति के शस्त्र से हम वो काटेंगे तो हम योग्य बन जाएंगे। योग्य बनने के बाद हम अपने घर को धाम जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, और उस घर में बिजली का बिल का जरूरत नहीं। ठीक, अब तक हमने जो भी किया है इसको हम पीपीटी में देखते हैं। श्रील प्रभुपाद क्या कहने, श्रील प्रभुपाद की जय। जय, जैसे अगर आपको खुद को रखना है, पैर ऊपर और सिर नीचे, ये उधर मुलम के बारे में कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, पैर ऊपर और सिर नीचे कोई आपको ऐसे ही रखता है तो आप कब तक आराम महसूस करेंगे? अगर कोई आपके पैरों को पकड़ता है और आपके सिर नीचे करके आपको पकड़ लेता है तो ये बहुत आरामदायक नहीं? तो यह पूरी भौतिक दुनिया ऐसे ही है, उधर मूलम, मूलम के नीचे होना चाहिए लेकिन वह ऊपर है, इसलिए यह असहज है। एक और व्याख्या है, यह विकृति प्रतिबिंब है, हमारे पास उधर मूलम का अनुभव है। एक नदी के किनारे या एक तालाब के किनारे पेड़ खड़ा है, लेकिन लेकिन प्रतिबिंब हम पाते हैं कि वह पेड़ उधर मूलम और आधा अधम शाखम बन गया है। तो इस कथन से कृष्ण कहते हैं यह वास्तविक नहीं है, यह प्रतिबिंब जल में है। वृक्ष वास्तविक नहीं है, असली पेड़ ऊपर है। इसी तरह वास्तविक आनंद, वास्तविक किस्म, सब कुछ आध्यात्मिक दुनिया में है, यह केवल प्रतिबिंब है, यह तथ्य नहीं है। इसलिए यहाँ हमारे आनंद को माया या भ्रम कहा जाता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसलिए ये भ्रम है। क्यों? और उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है, क्यों हमको दुख भोगना पड़ता है? ठीक उसी तरह अगर ये जगत ही वैसा है, दुखालयम अशाश्वतम है, जो उल्टा है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर सर ऊपर कर दिया जाए आपका और पैर
सर नीचे किया जाए और पैर आपके ऊपर कर दी जाए तो कितना तकलीफ होगा। तो ये इसीलिए, चूंकि ये प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत, इसलिए यहां पे दुखालियम है, ये दुखों का घर है। अशंक शस्त्रे न दृढ़े न छित्वा, विरक्ति के शस्त्र से काटना, ये हमने इसका अध्ययन करा। जो जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये योग्यता है निर्माण हुआ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण के शरण ग्रहण करनी जान शरण ग्रहण जानी चाहिए। कृष्ण के शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया, जब ये अनर्थ निवृत्तियां, जितनी भी निवृत्तियां अनर्थ हैं, जो हमारे गांठ हैं, ठीक है, जो भौतिक आसक्ति है, परिवार की आसक्ति, ऐसा नहीं है कि किसी चीज की आसक्ति कम करनी है, हमें बस इंद्रियों को मोड़ना है। ये भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते च यस कर्माणि दृष्टे वात्मनि ईश्वरे, श्रीमद्भागवतम का कथा आता है कि हमारे हृदय में ये ज्ञान तभी स्फुरित होगा जब धीरे धीरे हम इन चीजों, भिद्यते हृदय, हमारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं, अनर्थ निवृत्तियां हैं, वो उनका वो उनका छिन्दन्ते, उनका सर्वनाश, वो टुकड़े टुकड़े होकर के निकल जाएंगे। तभी फिर हमने क्या देखा, न तद भासते, अगर वो फिर वो भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाता है। और भगवान का धाम क्या है, वहां कोई बिजली की आवश्यकता नहीं है। मेरा परम धाम न तो सूर्य और चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग यहाँ पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। आप बिजली का देखिए, शिला प्रभात कितना अच्छे से लिख रहे हैं, आप बिजली का बिल क्यों देना चाहते हैं, यह मूर्खता क्या है, आपको बिजली का बिल क्यों देना चाहिए, वहां जाओ और वहीं रहो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। न तद भासते, यह है आध्यात्मिक दुनिया, सूरज चंद्रमा से प्रकाशित नहीं होती, क्योंकि हर कोई तेजोमयी है, हर ग्रह तेजोमयी है, इसलिए इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई दैन्य स्थिति नहीं है, ठीक है, कोई अज्ञान नहीं है। अंधकार कहाँ होता है, अंधकार वही होता है जहां अज्ञान हो, ठीक है, तो वहां कोई अज्ञान है ही नहीं, तो अंधेरा कहाँ से होगा, सब कुछ, सब सारे चीज चेतन है, सब में स्वयं प्रकाशित है। इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए, उसे वो उसे शाश्वत जगत में ले जाए जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई की इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ठीक है। ममैव अंशो, हमारा मेमोराइजेशन श्लोक भी है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस श्लोक को दो भागों में भाग करके हमें देखना है। पार्ट वन ममैव अंशो, पहला जो है उसमें भगवान एक प्रश्न कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, इसका क्या मतलब होता है, यह बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। ममेव अंश ओ जीव लोके, बद्ध जीवन के कारण ये छह इंद्रिय के घोर संघर्ष में कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है, चिंता व्यक्त कर रहे हैं भगवान, ठीक है। क्यों चिंता व्यक्त कर रहे हैं, पहले में क्या बता रहे हैं, पहला पार्ट वन क्या है, ममेव अंशो जीव लोके, भगवान कह रहे हैं कि हम हैं क्या, हमारा स्टेटस क्या है, क्या है हम, ममैव अंशो, भगवान कह रहे हैं तुम सभी मेरे अंश हो, यानी कि पार्ट हो, ठीक है। सोने, भगवान अगर सोने की खान है तो हम उसमें सोने का कण है, ठीक है। तो ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता समत, परंतु जब भगवान के धाम में ये कण पहुंचता है तो ऐसा नहीं है कि वो कण जो है वो सोने के खान में मिल जाता है, वो क्या रहता है, वो कण ही रहता है। सनातन का क्या मतलब होता है, सनातन का मतलब होता है शाश्वत,
उसका जो आज की तारीख में जो स्टेटस है, वही स्टेटस भगवान के धाम में रहे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और ये श्लोक हमें निर्विशेषवादी के विरुद्ध काट का सर्वप्रथम श्लोक है, सबसे पहला श्लोक कि भगवान ने स्वयं सायुज मुक्ति को क्यों निष्कासित किया जाता है वैष्णव धर्म में। सायुज मुक्ति क्या कहता है? सायुज मुक्ति का मतलब है एकाकार हो जाना। तो भगवान ने कहा, कहा भगवान ने तो शुरू से ही कहा है ममैव अंश हो, तुम मेरे अंश हो, मतलब पार्ट एंड पार्सल हो, और तुम्हारा ये पार्ट एंड पार्सल, तुम मेरे धाम में भी आते हो तो पार्ट एंड पार्सल ही रहते हो, ऐसा नहीं कि एकाकार हो जाते हो। यहाँ क्या लिखा? सनातन। इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसको नोट करके रखिए। ये श्लोक का क्या महत्व है? सनातन है, ठीक है, स्टेटस यही रहता है, अंश ही रहते हैं हम, ऐसा नहीं कि भगवान में एकाकार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी दूसरे भाग में भगवान चिंता व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, हमारे स्टेटस तो उन्होंने बता दिया हम क्या हैं, और अब क्या चिंता है? मनः शष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षत, बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है, ठीक है, संघर्ष कर रहे हैं। एक एक राजा होता है, उसका एक पुत्र होता है, पुत्र राजा बोलता है, पुत्र बोलता है कि पिताजी मेरा राज्य अभिषेक कर दीजिए, मुझे राजा बना दीजिए, मुझे राजा बनने की इच्छा है। तो पिता बोलते हैं कि राजा तो कोई एक ही हो सकता, तुम्हें राज्य अभिषेक, तुम्हें राज्य अभिषेक कर देते हैं और तुम्हें एक उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कर देते हैं और वो सारी सुविधाएं देते हैं। लेकिन पुत्र होता है वो जिद पे अड़ जाता है, कहता नहीं 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 मुझे तो राजा ही बनना है, और इतना जिद करता है कि पिता को घर छोड़ करके चला जाता है। पिता बहुत दुखी हो जाते हैं, जिस तरह भगवान यहाँ दुखी है, ममे मनः शष्टानि इंद्रियाणि प्रतिस्थानि कर्षति, वो छोड़ के चला जाता है वो पुत्र। जो राजा होते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, बोले कैसे पुत्र को समझाया जाए, कैसे समझाया जाए। फिर अपने मंत्रीगण को भेजते हैं, चाहे इसको समझा के लेकर के आओ, नहीं मानते हैं पुत्र, ठीक है। इसके बाद राजा क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि बेटा किसी तरह आ जाओ, ठीक है, वहां तुम्हें बहुत दुख मिलेगा, बहुत दुख भोगना पड़ेगा, आ जाओ। नहीं, मैं यहीं पे मैं अपना खुद मैं खुद भोगूंगा, मैं आप अपने घर के राजा हैं, मैं अपना राज्य खुद खड़ा करूंगा, कमाऊंगा खाऊंगा सब कुछ कुछ करूंगा। हार करके राजा बोलते हैं ठीक है, अब तुम नहीं आना चाहते हो तो क्या कर सकते। तो किसी ना किसी तरह उसके लिए एक नौकरी की व्यवस्था कराते हैं, नौकरी करने लग जाता है, कोई कार्य करने लग जाता है। लेकिन कहाँ वो खुशी प्राप्त होगा जो उसको राज अपने पिता के साथ वो खुशी प्राप्त होता था, वो खुशी नहीं हुआ, ठीक है। तो दुखी हो गया, दुखी होकर के फिर विलाप करने लग गया। विलाप करते करते जब पिता को वापस जाने की सोचा, तो जब राज को वापस आने लगा तो देखता है राज के बाहर ही उसके पिता खड़े हैं, दोनों बाहें फैला करके, ठीक है। तो ये कथा का क्या मतलब है? कथा यहाँ पे ये राजा कौन है? भगवान है। और ये जो पुत्र कौन है? हम सब जीव है जो भगवान से अपने घर से हम लड़े, और हम अपना राज्य बनाने के लिए, अपना भोग करने के लिए अलग चले गए, और भगवान ने हमें गुरु के, गुरु कौन है? भगवान के पार्षद है। जिस तरह राजा अपने मंत्रियों को भेजते हैं, भगवान भी अपने अपने नित पार्षदों को भेजते हैं गुरु के रूप में, हमें सिखाते हैं, ठीक है। और गुरु हमें बहुत प्रयास करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी यहाँ क्या है, भगवान क्या है, भगवान शास्त्र लिखते हैं कि इसको पढ़ें, गुरु को मान लीजिए, शास्त्र कर लीजिए, फिर भी नहीं मानते हैं, तो बोलते हैं ठीक है जाओ, तुमको भौतिक जगत दे दिया, कम से कम वहां जाओ, खुश रह सकते हो तो खुश रहने का प्रयास करो। जैसे ही उसको नौकरी लगवा देते हैं राजा, लेकिन वहां खुश नहीं रह पाता, ठीक है। तो भगवान यही चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मनः शष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, ठीक है, इनको, ये तो मेरे अंश हैं, ठीक है, परंतु यहाँ कष्ट भोग रहे हैं, क्यों? ये ही संस्पर्श जा भोगा
दुख यो ना एवते आदंत वंत कौन्तेया नेतेश्वर मते पुधा। भगवान पांचवें अध्याय में क्या कहते हैं कि जो चीजें हमें सुख प्रदान करती है वही हमारे दुखों का कारण बनता है। ठीक है, तो यही ये श्लोक में भगवान ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत सुंदर है श्लोक में। देखिए ये सिद्धांत क्या है, ममैव अंश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड या अंश। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान ने कह दिया ममैव अंश हो। भगवान से कोई भी चीज निकलती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव शिष्यते। भगवान से कोई भी चीज निकलती, भगवान पूर्ण है, भगवान से कोई भी चीज निकलती है वो भी पूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि हम अंश है तो भगवान से टिट के कुछ निकल गए। भगवान वही समझाने, भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं अनुभूति नहीं हो पाती। क्यों नहीं खंड की अनुभूति हो पाती भौतिक दृष्टि से? क्योंकि हमारी इंद्रियों की सीमाएं हैं। ठीक है, हम इन अपने इन इंद्रियों से, भौतिक इंद्रियों से आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, श्रुति प्रमाण, श्रुति का सहारा लेना पड़ेगा। यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो तो इतने कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहां पर लागू नहीं होती क्योंकि संस्कृति के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के आरंभ में भी ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। यह अंश जब शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। तो अंश का मतलब ये है कि हमें भी वो सभी गुण पाए जाते हैं जो भगवान के में होते हैं। इसलिए तो हम आनंदित, भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, तो हम भी आनंदित होने, हम इस धरातल पे क्या ढूंढते हैं, हम अपने जीवन पूरे जीवन भर बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक क्या ढूंढने का प्रयास करते हैं, आनंद ही ढूंढते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया है, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये चरित्र, ये व्यवहार कहाँ से आता है, भगवान से। क्यों? क्योंकि भगवान आनंदमयो अभ्यासात आनंदित रहते हैं, सर्वचित आनंद है। ठीक है, आनंदमयो अभ्यासात। परंतु हम गुणात्मक दृष्टिकोण से एक हो सकते हैं, मात्रात्मक दृष्टिकोण से एक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सोने का खान और सोने का कण गुणात्मक दृष्टि से एक हो सकते हैं और लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से नहीं हो सकते। समुद्र का जल और समुद्र का बूंद गुणात्मक दृष्टि से एक हो सकता है लेकिन मात्रात्मक दृष्टि का नहीं हो सकता। उसमें तो कई जलचर रहते हैं, कई जीव जंतु रहते हैं। क्या आपके बूंद में इतने जलचर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मात्रा बहुत बड़ी है। तो भगवान क्या है, भगवान की शक्ति अचिंत्य है। इसलिए चित्त सत चित्त, चित्त का क्या मतलब होता है, चिंत जो हमारी चिंता के परे है। ठीक है, अंडांतरस्थ परमाणु चयादरंतर भगवान है, अंडांतरस्थ परमाणु चयादरंतर गोविंद आदि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान के एक सांस से इस जैसे कई ब्रह्मांड, बस कल्पना करके सोचिए, अंडांतरस्थ परमाणु चयादरंतर यानी कि एक एक्सेल से एक सांस जब छोड़ते हैं तो बुलबुला जो है वो ब्रह्मांड में बन जाता है, असंख्य ब्रह्मांड। भगवान की अचिंत्य शक्ति हुई ना, संख्य ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड का नाप हम नहीं कर सकते भौतिक जगत में, हमारे वैज्ञानिकों ने नहीं कर पाया। इससे भगवान असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं अपने बुलबुले मात्र से, अंडान तरस्त। और यही रुकते नहीं है, फिर क्या करते हैं, अंडांतरस्थ परमाणु क्षयांतरंतस्थ, हर एक ब्रह्मांड में दोबारा प्रवेश करते हैं, भौतिक जग भौतिक सृष्टि का निर्माण करवाते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा।
और परमाणुचयादरंतर, और इतने छोटे हो जाते हैं कि छोटे से छोटे कण में दोबारा चले जाते। तो हमारी चिंता हमारी सोचने की शक्ति से परे हो गया है ना। तो ब्रह्मांड बनाना ये तो भगवान की छोटी सी शक्ति है, ब्रह्मांड को बनाना अपने एक एक सांस से ब्रह्मांड को बनाना, दूसरा सारे ब्रह्मांड में प्रवेश करना, ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी के द्वारा विस्तार करना, छोटे परमाणु थे अंतरंत अपने आप को इतने छोटे बना लेते हैं कि छोटे से छोटे कण में दोबारा प्रवेश कर दोबारा प्रवेश कर जाते। तो इसलिए भगवान क्या है, अचिंत्य है। इसलिए हम मात्रात्मक दृष्टिकोण से भगवान भगवान के जैसे नहीं हो सकते, भगवान की शक्ति अचिंत्य है, परंतु गुणात्मक दृष्टिकोण से हम हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, ममेव अंशो जीव लोके। ठीक है, तो ये हम अंतिम श्लोक आज करेंगे, इसके बाद आज विराम देते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चपि उत्क्रमाति ईश्वर गृहत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि निवेशया। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि, अब हम थोड़ा सा अगले जो तीन श्लोक हैं वो हमें वही सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं जो जिसका सिद्धांत भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वां श्लोक से लेकर के 30वां श्लोक तक बताया था। क्या है, शरीर और आत्मा का भेद क्या है। शरीरम यद अवाप्नोति यद च अपि उत्क्रमाति ईश्वर। इस संसार में जीव अपने देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायुर्गंधा निवेश याद, जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है, इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो हम इसी जीवन में हैं, जब बच्चा बचपन होता है हमारा, तो तीन बचपन होते हैं तो हम 3 किलो के होते हैं, बच्चा होता है तो क्या होता है, 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बड़ा होने लगता है क्या हो जाता है, बड़ा होकर के 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो हो जाता है। तो इसी जीवन काल में हमने शरीर बदल लिया, दूसरा जीवन तो छोड़ दीजिए, 3 किलो से सफर हुआ शुरू और 60, 70, 80 तक पहुंचता है, यानी कि 3 किलो वाला शरीर त्यागा, कितने शरीर त्यागे इस जीवन काल में। ठीक उसी तरह जिस तरह वायु जो है गंध को यहां से उठाता है और दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, तो हम जीव जो है हमारे उस शरीर के अंदर जो जीव है वो वही रहता है, तभी तो हम 70 जब वृद्ध हो जाते हैं, जब हमारा उम्र हो जाता है, तब हम पुरानी तस्वीरें कैसे पहचान पाते हैं, अरे ये ऐसा था, ये नानी घर गए थे, ये दादी घर गए थे, उस समय ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था, उस समय गए ये तस्वीर है, उस समय गए ये तस्वीर, कैसे पहचान पाते, शरीर तो वो नहीं है, शरीर तो बदल चुका है, तो उसको पहचानते कैसे हैं, क्योंकि उसमें जो जीव है वो देहांतरण कर रहा है वायु की तरह। ठीक है, हरे कृष्णा, आज ही रुकते हैं, हम अगले सत्र में 9वें अध्याय से शुरू करेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, अभी तो कोई मुझे अटेंडेंस लिख डालना प्लीज। ठीक हरे कृष्णा है, प्रभु जी धनुष प्रणाम। तो हरे कृष्ण, पूछिए प्लीज। जी प्रश्न नहीं है बट मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्रश्न है प्रभु जी, बस आज मंदिर गया था, बहुत बुरा था। जी प्रभु, आपका आवाज सुनाई नहीं पड़ा, दोबारा बोलिए प्लीज। तो मंदिर गया था, आज अच्छा मंदिर अच्छा गया था, अच्छा अच्छा आज मंगलूर में था 2 दिन से, तो मंदिर में कैसे कंप्लीट ज्वाइन हुआ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा अच्छा लगा मंदिर में। इतने 2 महीने के बाद मौका मिला जाने का, तो गया था। अच्छा मैंगलोर मंदिर अभी गए हैं और क्या? मंदिर बहुत अच्छा बन गया है, पूरा सफाई हो गया है। जी जी प्रभु जी, अभी अच्छा 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 मंदिर का रौनक बहुत बढ़ गया है, अभी बहुत पूरा क्लीन हो गया है और अच्छा लग रहा है मंदिर। हरी बोल हरी बोल। तो मंदिर में ही रह रहे हैं क्या अभी? नहीं प्रभु जी, मैं तो काम से आया था मंगलूर में, तो 2 दिन काम किया। आज मैं पूरा दिन डिवोट किया मंदिर के लिए, तो 10:50 बजे में अराउंड 10:30 को पहुंचा, और उधर से मतलब समुदाय आरती करके फिर से निकला, फिर वापस बेंगलुरु जा रहा हूँ। हरी हरी और सब ठीक है, मतलब बहुत नाम मजा आया ऋषि मेरे को। बोल जी मिले प्रभु जी, मिले सभी दोपड़ी मिले।
मंदिर का रोल कितना आगे बढ़ गया है अभी, मतलब कुछ और अच्छा हो गया मंदिर, खुश हो रहा था एकदम, दिल खुश हो गया, खुश आपको शेयर करूं। जी प्रभु, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण स्वामी हरे। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अटेंडेंस लिंक डाल दिया है, सब भर दूंगी। सिंह रवि जी, आपका नाम बता दीजिए ग्रुप में। प्रभु क्या जी नाम का आ रहा है नाम थोड़ा टफ है उसमें, याद। क्या नाम आ रहा है उसमें प्रभु जी अभी नाम आपके? आपका ऐड वैसे ऐड नहीं है, अदर में लिखना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि अभी आपने अभी शुरू किया ना, तो इसमें शायद अपडेट नहीं, अपडेट आपको नहीं हुआ। समझाता हूँ, आपको समझाता हूँ, आपको याद होना चाहिए क्या नाम है ये। नवदीप जाते हैं हम, जी नवदीप धाम, मायापुर धाम जाते हैं हम, नाम मायापुर धाम। मायापुर धाम में नौ अच्छा धाम है, नौ धाम, नौ धाम में एक धाम है ऋतु द्वीप धाम, जहां पे हमारे भौतिक जगत में तीन मौसम होते हैं, गर्मी सर्दी और बारिश। लेकिन वर्षा ऋतु द्वीप में छह, वहां छह मौसम होते हैं। वहां पर महाप्रभु और उनके पांच पंच तत्व का बहुत सारी लीला है। तो मायापुर अगली बार आइए तो नौ धाम का दर्शन कीजिए, उसमें से एक धाम का नाम है ऋतु द्वीप, इसलिए उसी द्वीप के नाम से ऋतु द्वीपेश्वर गौरदास। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए, ऋतु द्वेश ऋतु ऋतु द्वीप द्वीप, ऋतु द्वीप, नवदीप में एक धाम है ऋतु द्वीप। आपका नाम बताइए, आपका नाम ऋतु द्वीप, आपका नाम ऋतु, वही समझा रहे हैं, ऋतु द्वीपेश्वर दास प्रभु अच्छा जी अच्छा ऋतु द्वेश्वर दास, ठीक है ठीक ऋतु है, द्वीपेश्वर गौरदास। द्वेश्वर गौरदास। ठीक है, श्री कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? चंदन प्रभु, आपका कोई प्रश्न है क्या? ये अब सताया ना इन्होंने प्रभु जी ने, ये वहां मैंगलोर होके आए हैं, सच्ची हाँ बात है प्रभु जी, मैंगलोर होके आए, अच्छा लग रहा है वहां में सुनकर, इच्छा फिर से मन मन हो गया कि बताना एक बार था फिर दर्शन मंदिर, करके। सभी लोग जरूर जाइए, ये इतना अच्छा मंदिर हुआ है ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, सभी लोग जरूर आइए, मौका मिलेगा। आज मैं गया तो पूरा दिन घड़ी दिन बिताया मैंने, और बहुत सेवा मिला मेरे को, सेवा सुन करने के का अच्छा मौका लगा भी प्रभु, मिला। सुन के अच्छा लग रहा, बहुत मन कर रहा है फिर वापस जर जाए। हरे 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 कृष्ण। उनकी भक्ति वृक्षा चलती है ना माता, आप लोग सभी लोगों की भक्ति प्रभु वृक्षा चलती है। जी, भक्ति वृक्षा में आता नहीं है प्रभु जी कोई भी, सब अपने पर्सनली पढ़ रहे हैं। भक्ति वृक्षा ग्रुप बना रखा है, स्टार्टिंग में पहली क्लास में बना दिया था, बट वो सभी डिवोटी जुड़ते नहीं है, तो फिर सब कोई नहीं करता है। भक्ति शास्त्री में अगर भक्ति वृक्षा एक्टिव नहीं है तो हमारी उन्नति बहुत कम होगी, ये प्रूवन है। इसलिए भक्ति वृक्षा में हमें सिंसियर होके जब तक नहीं करेंगे, आपको इसका अफेक्ट खुद ही पता चलेगा। भक्ति वृक्षा बहुत कंपलसरी है, ठीक, बहुत कंपलसरी है। आप लोग जितने लोग हैं सब भक्ति वृक्षा को नियमित रूप से बहुत ही गंभीर रूप से कीजिए। वो एक मान्य विधि है, साधु संग करने का, भक्त संग करने का एक मान्य विधि है। इसको और इसको किसने दिया है, भक्ति वृक्षा का कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया जी? आप जिस गुरु से आप सभी लोग, हम सभी लोग दीक्षित हैं, उन्होंने कॉइन किया है। ठीक है, नाम हट्टा नाम, पहले ये नाम हट्टे के रूप में था, क्योंकि जो लोग मंदिर में नहीं आ पाते हैं उनके लिए भक्ति वृक्षा के लिए पहले ये नाम हट्ट था। ठीक है, नाम हट्ट। अभी आप मायापुर जाएंगे तो नाम हट्टा सबसे बड़ा विभाग है, उस पूरे मंदिर का सबसे बड़ा विभाग हुआ है नाम हट्ट। तो गुरु महाराज जयप्रताका स्वामी महाराज ने इसको उन भक्तों के लिए भक्ति वृक्षा बनाया जो
मंदिर में एक साथ नहीं आ सकते हैं, जो बाहरी बाहर है। तो हमारे हमारे पास इतना अच्छा सुविधा है, पर हमारे पास समय हम नहीं निकाल पाते हैं। यही भौतिक आसक्ति है, ठीक है। तो जब तक हम गंभीर नहीं होंगे भौतिक वृक्षा के प्रति, तब तक बहुत मुश्किल, हमारा उन्नति अटकेगा, बहुत अटकेगा। स्वयं स्वयं अध्ययन नहीं हो सकता है, हम अकेले नहीं पढ़ सकते। अकेले पढ़ने में और सब मिलकर पढ़ने में बहुत अंतर है। आप पढ़ करके कभी इस चीज को इम्प्लीमेंट करके देखिए, बहुत अनिवार्य है, एकदम परम आवश्यक है भक्ति वृक्षा का होना। भक्ति शास्त्री में ठीक भक्ति वृक्षा का नहीं होना ये कोई अच्छा संकेत नहीं है, इसलिए आप लोग गंभीरता से इसको लीजिए। कहाँ कैसे ज्वाइन करना है प्रभु जी, कैसे ज्वाइन हो माता सकते जी हैं जो मैंने, इसमें? नहीं नहीं सुनिए माता जी, जो मैंने ग्रुप हमारा ग्रुप रखा है ना, जो मैंने वो भक्ति वृक्षा का ही ग्रुप था, तो उसमें आप ग्रुप लोगों को सबको जुड़ के और पर्सनली पढ़ाई करनी थी कि भी सब मिल के आपस में, उसमें कोई लीडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसमें आप लोगों को मिल के क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने थे और सबको मिलके बैठ के जो डिस्कस करना था, टॉपिक्स डिस्कस करने थे, ये सब करना था। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वो ग्रुप बना दिया था पहली क्लास के साथ ही। अच्छा हाँ, पर वो अच्छा कोई माता जी, शुरू में मैंने जोड़ने की कोशिश भी की थी, फिर वो कोई आया ही नहीं, फिर धीरे धीरे भी नहीं आ रहे थे आप सबने, एक दो ने तो कहा कि हम माता जी पर थोड़ा लेट का रखिए ना, क्योंकि सभी देखो सर्विस वाले होते हैं और गृहस्थी वाले हैं ना माता माता जी, जी। वो ग्रुप ऐसा है, वो आप सबका आपको अपना ग्रुप है, आपको अपने अकॉर्डिंग की भी आपको जो सहूलियत लगे उस टाइम को डिसाइड करना था सबको मिलके कि इस टाइम अच्छा, पे सब अवेलेबल होंगे, कोई आपको एक भी कमाने सजेशन की मैं जरूरत नहीं दूंगा, आपको। आप लोग में से कोई एक लीडर बने, पहला मैं आपको सजेशन देता हूं, एक कोई लीड करे, वो जो हमारे मंदिर का सबसे सफल भक्ति वृक्षा ग्रुप, कई सफल भक्ति वृक्षा ग्रुप चल रही है निरंतर, चार 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 साल से निरंतर रोजाना चलती है। ऐसा भक्ति वृक्षा को मैं जानता हूं, 360 दिन चलती है, सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक चलती है। ऐसे मैं 3 4 भक्ति वृक्षा को जानता हूँ, और उनके भक्तों से आप मिलिए, उस आप अपने लीडर को चुनिए। आप मंदिर के जो हिंदी ग्रुप के जो लीडर हैं जानवी माता से आप बात कीजिए, और आपके जो लीडर हैं उस भक्ति वृक्षा को एक दिन ज्वाइन करके देखें कि उस भक्ति वृक्षा में होता क्या है। और ये जितने भी भक्ति वृक्षा के जो भक्त जुड़े थे आज से 4 साल पहले, 4 साल में इनको, पहले इनको शून्य कुछ नहीं ज्ञान था, और उनके ग्रुप में आज आप जा करके देखिए किस तरह की चर्चाएं होती हैं। तो ये हमारा जरूरी है, ये बहुत जरूरत है कि भक्ति वृक्षा में होता क्या है, किस तरह प्रगति करते हैं, और उनसे एक्सपीरियंस भी लीजिए कि आपने भक्ति वृक्षा को चलाया कैसे, भक्ति वृक्षा चलती कैसे है, इसमें होता क्या क्या है, क्या कंटेंट है, क्या चर्चा होता है, ठीक है। तो आप में से कोई एक लीडर बने, और जो हिंदी ग्रुप के लीडर हैं उनसे बात कीजिए, बात करके एक सफल भक्ति वृक्षा को एक दिन के लिए ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद उसी चीज को अपने ग्रुप में रेप्लीकेट कीजिए, उस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। आप लोग सब लोग अपने समय निकाल के 1 घंटा निरंतर रोजाना पढ़िए, वो समय आप अपने सुविधा के अनुसार निकालिए, जिसको जो जैसा सुविधा है, पर निकालना जरूर है। तपो दिव्यम, हमारा जीवन ही तपस्या के लिए बना है, और इसमें एक चीज जिसको लाना जरूरी है, प्रभुपाद जी बताते हैं, ठीक है। तो इसको करिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। हरे कृष्णा, चलिए आज चलते हैं। वांछा कल्पतरु भविष्य कृपा सिंधु भय एव च, पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री हरिदास ठाकुर की जय, षड् गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा आप सभी को, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु।